उन्होंने वही गलतियां करी जिससे परमेश्वर जो है नाराज होता है, चिढ़ता है। उन्होंने मन नहीं फिराया वो दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी पीतल पत्थर और लकड़ियों की मूर्तियों की पूजा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पद 3 से लेकर पद 12 तक के विषय में सीखा था, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तब क्या हुआ। आज हम सीखेंगे कि जब छठा स्वर्गदूत जो है वो तुरही फूंकता है तब क्या होता है, या कौन सी विपत्तियां जो है वो आती हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 13 से 21 पद में जो है इस बात का जो वर्णन दिया गया है, इसके 13 पद से लेकर 15 पद तक जो है वो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उनके सिंगों में से ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठे स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों की जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उससे घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। अब यहां पर ध्यान देना कि सोने की वेदी जो है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है एक सोने की वेदी है, और उस सोने की वेदी के चारों ओर 4 सींग जो हैं वो बने हुए हैं। जब आप निर्गमन 30 अध्याय 1-5 और निर्गमन 37 अध्याय उसका 25-28 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए जो मूसा के द्वारा तंबू का जो पवित्र मंदिर बनाया गया था ये स्वर्गीय मंदिर का नमूना था, और जब मंदिर बनाया गया था तो महापवित्र स्थान के सामने जो है वो सोने की वेदी हुआ करती थी, वेदी हुआ करती थी। उस वेदी के 4 सींग जो थे वो बनाए गए थे और उस पे जो था धूप जो है वो जलाई जाती थी, और वो धूप का धुआं जो है सोने की वेदी पर जो है धूप जलाई जाती है, और वो धूप जो है वो लोगों का जो है वो प्रार्थनाएं हैं उसको प्रकट करता है यहां। परंतु यहां पर जो है ये सोने की वेदी जो है जिसके सींग है ये किस चीज को प्रकट करता है, जरा इस पे ध्यान देने की बात है कि विशेष तौर से जो सींग बनाए गए हैं परमेश्वर ने स्पेशली कहा गया है ये किन चीजों को प्रकट करता है, इनको जानना जरूरी है। ये सोने की वेदी के 4 सींग 4 दिशाओं को प्रकट करता है, और सोने की वेदी के 4 सींग जो है 4 राज्य को भी प्रकट करता है। जी हाँ, ये चारों दिशाओं को प्रकट करता है, यानी परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर का जो अधिकार है वो चारों दिशाओं में है। परमेश्वर ने चारों दिशाओं में की रचना करी है, और परमेश्वर चारों दिशाओं का सृष्टि करता है, और सब कुछ जो कुछ भी है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर किसी भी दिशा में सब कुछ का बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। फिर हम जब इन 4 राज्य को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर ने अपने जो इज़राइल प्रजा है उनको 4 भागों में बांट कर जो है 4 अलग अलग दिशाओं में जो है उनको रखा है। किस तरीके से रखा है उसके मैं बताना चाहता हूं आपको। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय 1-34 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इज़राइल के लोगों को 4 भागों में बांट कर जो वो रखा है। पहला जो है भाग है पूर्व दिशा का है, उसमें 3 लोग हैं जो मुखिया हैं जो दिए गए हैं, यहूदा, इसाकार और जुबलून, इनके राज्य हैं। और दूसरा है दक्षिण दिशा, उसमें है रूबेन, शिमोन और गाद, इनका राज्य है। और पश्चिम दिशा में है एप्रेम, मनशशे और बिन्यामीन, इनका राज्य है। और उत्तर दिशा में दान, अशेर और नप्ताली हैं, इनका जो है वो राज वहां पर स्थापित है, या ये लोग जो हैं अपनी अपनी छावनियों के साथ जो है वहां उन दिशाओं में इस तरीके से रहते हैं। डैनियल 7 अध्याय और उसका 7 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्या डैनियल एक चौथे जंतु का दर्शन देखता है, और उसके जो है वो चौथे जंतु का जब दर्शन देखता है तो उस जंतु के 10 सींग हैं।
अब ये जो सींग है, देखिए मैं सींग का अर्थ बता रहा हूं, ये जो सींग है ये 10 राज को प्रकट करता है। जी हाँ, ये जो आप रोम के कह लीजिए या यूरोप के कह लीजिए, ये 10 राज हैं उनको प्रकट करता है। फिर प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 3 पद, प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 1 पद जो है, यूहन्ना एक लाल अजगर को देखता है और एक पशु जो समुन्द्र से निकला उसका दर्शन देखता है जिसके 10 सींग हैं। ये 10 राज को प्रकट करता है जो मैंने आपको बताया। एक चीज ध्यान करिएगा कि ये जो बहुत से लोग जो हैं, ये जो छोटा सींग जो देखते हैं वो क्या करते हैं, ये रोम को सोचते हैं, ये रोम नहीं है। देखिए, इटली का शासन किसी और के हाथ में है, रोम का शासन किसी और के हाथ में है। हाँ, कि इटली की जो राजधानी है वो रोम है। डैनियल 7 अध्याय उसका 8 पद और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 5 से 6 पद, डैनियल और यूहन्ना दोनों उन 10 के बीच में एक छोटा सींग देखते हैं जिसके उदय होने से उसके आसपास के 3 सींग जो हैं वो टूट चुके हैं। ये जो छोटा सींग है ये उदय होता है, और ये जब उदय होता है तो इसके उदय होने से जो है 3 सींग यानी 3 राज जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनको ये नष्ट कर देता है। बहुत गहरा, जब यहां जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये जो है, ये छोटा राज जो है वो किसको दर्शाया गया है और ये जो चीजें हुई हैं किस समय में हुई हैं। परंतु अगर मैं यहीं पे ये सब चीजें खुलासा कर दूंगा तो फिर प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का जो 6ठा सरदूत तुरी फूक रहा है उसका वर्णन जो है वो रह जाएगा और ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो छोटा सींग है जो उदय हुआ है ये इटली को दर्शाता है, इटली को दिखाता है, इटली राज्य जो है उसको दिखाता है। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं इन चीज का, ध्यान रखिएगा। फिर डैनियल 8 अध्याय के 3 पद में एक मेड़ा है, उसके 2 सींग है, ये मादा फारसी राज को प्रकट करता है। डैनियल 8 अध्याय 5 से 7 पढ़ेंगे, एक बकरा है उसके आंख के बीच में एक सींग निकला है, ये यूनान के राज को प्रकट करता है। और इसने क्या करा है, यूनान का जो राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट हुआ है, इसने मादिया फारसी राज पर जो है कब्जा कर लिया और इसको अपने अधीन कर लिया है, उसके बारे में वर्णन है। अमोस 3:14 में लिखा हुआ है जो सींग है ये इसराइल राज को प्रकट करता है। जी हाँ, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप जकरिया 1 अध्याय उसका 18वां पद और उसका 19 पद और उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 4 सींग हैं, अर्थात ये 4 राज्य को जो है प्रकट करता है। इनको जो है, उन 4 राज्यों ने जो प्रकट हुए हैं उनके, इन 3 राज्यों को तितर बितर कर दिया। किस किस राज को, यहूदा के राज को, इसराइल के राज को और यरूशलम के भीतर जो थे उन सबको तितर बितर जो है इन 4 राज्यों ने कर दिया, जो जकरिया 1:18-19 और 21 पद में लिखा हुआ है। लूका 1 में पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला जो है। यहां दाऊद के घराने में, यहां उद्धार का सिंह किसको प्रकट करता है, ये यीशु मसीह को प्रकट करता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्योंकि दाऊद के घराने से जो है उद्धार करने वाला कौन प्रकट हुआ, यीशु मसीह पर प्रकट हुआ, ये यीशु मसीह को जो है वो प्रकट करता है। और 14वां पद है, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। अब यहां जो है एक आवाज यूहन्ना जो है वो सुनाई दे रही है, उसको क्या सुनाई दे रहा है कि वो सुन रहा है कि जो 4 स्वर्गदूत जो फुरात नदी के पास है उनको खोल दे, उनको खोलने की बात हो रही है या उनको स्वतंत्र करने की बात हो रही है कि उनको स्वतंत्र कर दे। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे हाथ पैर बांध के डाले गए हों, एक स्वतंत्रता देने की बात होती है। फुरात नदी, फुरात नदी जो है जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 10 से 14 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो अदन की वाटिका से जो है एक महानदी निकली, और जब वो महानदी, एक बहुत बड़ी नदी निकलती है अदन की वाटिका से, आगे जाकर जो है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। जी हाँ, 4 भागों में डिवाइड हो जाती है, और ये 4 भाग में कौन सी, पहली धारा का नाम पिशोन है, दूसरी धारा का नाम गिहोन है, तीसरी धारा का नाम हिदकेल है और चौथी धारा का नाम फरात अर्थात
फुरात नदी है। ये पश्चिमी एशिया की एक बहुत बड़ी नदी है, फुरात नदी जो है, और ये मेसोपोटामिया की जो है मुख्य धारा अर्थात मुख्य नदी है मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे ना तो बाइबल के अंदर इसका बहुत बड़ा वर्णन है, और इतिहास मेसोपोटामिया के बारे में बहुत कुछ वर्णन करता है जो बाइबल से बहुत पूरा कंपेयरिंग होता है। यानी परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य पर आधारित है, बिल्कुल एक एक बात एक एक चीज जो है बिल्कुल वैसे ही दी गई है जैसा परमेश्वर के वचन में है। चार सरदूत बंधे हैं फुरात नदी पर, जो है ये चार सरदूत बंधे हुए हैं, अर्थात फुरात नदी के क्षेत्र में जो अधिकारी ये राजा हैं जिनका राज फुरात नदी के क्षेत्र के आसपास है, ये चार राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चार राज्य को प्रकट करता है। मैंने कहा ना दूत जो है वो ये जो वहां के जो अधिकारी जो राजा हैं ये उनको प्रकट करता है, और वो कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो कौन से चार राज्य हैं। बेबीलोन है जिसका आधुनिक नाम जो है इराक है, उत्तरी पूर्वी सीरिया है, और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी तुर्की, तथा चौथा है फारस जो आधुनिक नाम इस समय ईरान है। ये चार राज्य जो हैं है? ये चार राज्य इसके अंदर शामिल हैं और इनको दर्शाया गया है, ये जो है ये खोले जाएंगे, यानी इनको जो है परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा अधिकार दिया जाएगा। और क्या अधिकार दिया जाएगा आगे देखेंगे। तथा आसिया के साम्राज्य जो है अलग अलग समय में जो है यहां पर स्थापित हुए थे, ये जो लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। चार और जातियां जो है यहां पर बहुत इनसे भी पहले जो है वो आई थी, सुमेर, अकद्दी सभ्यता के लोग और बेबीलोन तथा आसरिया साम्राज्य के अलग अलग समय के लोग जो थे यहां पर स्थापित हुए थे, ये चार प्रकार के। पंद्रहवें पद में क्या लिखा हुआ है कि इनको किस लिए खोल दे, इनको मतलब इनको जो है पूरा अधिकार दिया जाएगा कि ये एक तिहाई मनुष्यों को मार डाले, और वो एक तिहाई मनुष्य कौन से होंगे मैं फिर बताना चाहूंगा, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, ये वो लोग होंगे। ये प्रकाशित वाक्य जब आप 9:1-12 तक हमने पिछले संदेश में सुना था उसमें बताया गया था कि ये विशेष जाति जो है वो कौन सी है और इसका संबंध किससे है, मुस्लिम समाज से। और यहां पर जो है ये जो नाम मैंने आपको दिए गए हैं जो पहले बहुत पहले जो थे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, सुमेर अकदी सभ्यता के लोग, बेबीलोन के लोग तथा आसरिया के लोग जो हैं, ये आज सब लोग मुस्लिम समाज में तब्दील हो चुके हैं यानी बदल चुके हैं। जैसे बेबीलोन जो है अब इराक कहलाया जाता है, उत्तरी पूर्वी सीरिया में भी जो है 50% से भी ऊपर जो है यानी 70% करीब जो है मुस्लिम है, दक्षिणी पूर्वी तुर्की में भी और फारस में भी जो है ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। इनके अंदर जो है जो प्रकाशित वाक्य 9 का जो मैंने वर्णन किया था आपको, ये वही चीज यहां पर भी जो है जब छठे सरदूत ने तुरी फूकी है वो देखने को मिल रही है कि किनको अधिकार जो है दिया जा रहा है और क्यों अधिकार दिया जा रहा है कि उनके माथे पर जो है परमेश्वर का जो मोहर है वो नहीं है, इनको पीड़ा देने का जो है वो अधिकार दिया गया है। अब छठा सरदूत तुरी फूकता है, एक तिहाई मनुष्यों को मार डालने का अधिकार है। अब यहां पर जरा समझने की बात है, यहां पर जो दिया गया है वे चारों सर, 15 पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 9 का, वे चारों सर खोल दिए गए उस घड़ी, घड़ी ध्यान करेगा, उस घड़ी का मतलब होता है एक घंटा, और उस दिन का मतलब होता है दिन यानी एक दिन या 24 घंटे आप कह लीजिए एक दिन, और महीना, महीने का मतलब होता है 30 दिन, और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई मार डालने का अधिकार दिया गया कि ये मार काट जो है वो किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे, ये पूरा वर्णन जो है उसके अंदर दिया गया है। पद 16-21 तक पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9 का, तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, परंतु मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि यहां पर जो है इनकी जो संख्या दी गई है 20 करोड़ दी गई है, यानी इनकी फौज की जो संख्या है। अब ये जब सब देश मिल जाएंगे, 56 जो है वो गल्फ सॉरी मुस्लिम कंट्री हैं, 56 जो है मुस्लिम कंट्री हैं, इनकी जो फौज है वो करोड़ों में दिया गया। घोड़े का मतलब यहां पर होता है शक्तिशाली है, वो झिलम पहने हुए हैं यानी सुरक्षा कवच जो है वो उससे बने हुए हैं, यानी आग और बारूद से जो लैस है
आग और बारूद जो है इनके ऊपर क्या करेगी, असर नहीं करेगी। कुछ भी जो चीजें हैं ये आग और बारूद में भी घुस जाएंगे और इन पे कुछ ना होगा। घोड़े के सिर जो हैं सिंह जैसे हैं, शक्तिशाली घोड़े जैसे हैं, मगर सिंह का मतलब होता फाड़ डालने वाले लोग, बिल्कुल चीर फाड़ कर देने वाले लोग हैं। और ये उन मनुष्यों को चीर फाड़ डालेंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, एक तिहाई मनुष्यों को। और लिखा हुआ है महामारी इनके द्वारा आग और धुआं और गंधक इतना फैला दिया जाएगा कि उससे जो है महामारियां जो है वो उत्पन्न होंगी। बहुत भयंकर जो महामारियां जो हैं वो उत्पन्न होंगी। और ये विपत्ति जो है ये मनुष्य जो है, और मनुष्य जो है वो इतना हटीला हो गया है, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तब भी मन नहीं फिराते, तब भी जो है इतनी विपत्ति इतनी मुसीबत आने के बाद भी अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देते, हटीले हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। और यहाँ जो है लिखा है उन्होंने वही गलतियां करी जिससे परमेश्वर जो है नाराज होता है, चिढ़ता है। उन्होंने मन नहीं फिराया वो दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी पीतल पत्थर और लकड़ियों की मूर्तियों की पूजा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, जो ना देख सकती हैं ना सुन सकती हैं ना चल सकती हैं। और वो जो है लोगों का खून करना, टोना करना, हत्या करना, व्यभिचार करना इसके अंदर ही लिप्त हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार वो उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, उसकी इच्छा का पालन नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन मनुष्यों के ऊपर ऐसी भयंकर विपत्तियां जो हैं परमेश्वर डालने पर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ऐसी विपत्तियों से बचना है, इसलिए हमें अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लेनी है। इसलिए हम अभी से उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगे, उसकी इच्छा को पूरा करने लगे, उसके धर्म और राज की खोज करने लगे और परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न करें, ताकि आने वाली विपत्तियों में हम सब सेफ हो सके, बच जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।